जंगल का शरीफा, कस्टर्ड एप्पल या सीताफल, ये तेलंगाना का मशहूर फल है। आमतौर पर यह बारिश और सर्दियों के दरमियानी महीनों में बाजार में आता है। कमजोर मानसून और दरख्तों की कटाई की वजह से सीताफल की पैदावार में इस मर्तबा कमी हो चुकी है। सीताफल इन दिनों मार्केट में इतना महंगा बिक रहा है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जंगल के फल के नाम से मशहूर सीताफल ने कीमत के मामले में सेब को भी पीछे छोड़ दिया है। जंगल के फल के नाम से मशहूर सीताफल ने कीमत के मामले में सेब को पीछे छोड़ दिया है। सीताफल 100 रुपये से 300 रुपये डजन मिल रहा है, यानी एक सीताफल की कीमत 10 से 30 रुपये है, तो दूसरी जानिब सेब 10 रुपये में मिल रहा है। सीताफल के महंगा होने की वजह दरख्तों के सूख जाना और पैदावार में कमी बताई जा रही है। फल को गरीबों का फल कहा जाता है, लेकिन अब सीताफल इतना महंगा हो गया कि इसकी खरीदारी पर गरीब लोग सोच रहे हैं। 400 रुपये डजन, 300 रुपये डजन, 180 रुपये डजन, 150 रुपये डजन, सीताफल बहुत महंगा है। अभी तक सीताफल आता कि नहीं आता कि नहीं आता, सीजन है आपके सीताफल कम है, कई को ऐसा बहुत कम हो गया था, बारिश नहीं गिर रहा, कम कई को आ रहा ये सीताफल, पानी नहीं हो रहने से लिया सीताफल। अभी झाड़ों झाड़ों का कटिंग कर डाले, मकाना बनती है, झाड़ों की कटिंग कर डाले, ज्यादा झाड़ा नहीं है और जो है तो पानी बराबर नहीं गिर रहा, ये मेन कारण है सीताफल टाइम पे नहीं आने का, इसलिए महंगा है। अगर पानी ज्यादा गिरा सीताफल इंसानी जिस्म को फायदा पहुंचाने वाला फल है। इस फल में विटामिन ए और विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है। हकीमों के मुताबिक सीताफल से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज मुमकिन है। निजामिया मेडिकल यूनानी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम ने बताया कि सीताफल कब्ज और तेजाबियत को दूर करता है। डॉक्टर सलीम ने बताया कि सीताफल के इस्तेमाल से जोड़ों का दर्द दूर हो सकता है। सीताफल खाने से रक्त पट्टे मजबूत होते हैं। सीताफल जिल और बालों की हिफाजत भी करता है। सीताफल एक एंटी ऑक्सीडेंट है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के विटामिन से जैसे विटामिन सी, पोटाशियम, मैग्नीशियम पाए जाते हैं और इसके साथ में विटामिन ए है। विटामिन ए की अहमियत ये है कि ये जिल्द और बालों की अच्छी तरीके से हिफाजत करता है और सीताफल के इस्तेमाल से हाजिमा भी बहुत दुरुस्त रहता है। इसमें मौजूद दूसरे अज्जा जैसा कापर है, कापर के इस्तेमाल से कॉन्स्टिपेशन, डहेरिया और डिसेंट्री से इंसान महफूज रह सकता है। इसके अलावा मैग्नीशियम की मकदार भी वाटर लेवल को बैलेंस करती है, जो इंसानी जिस्म में मौजूद एसिड्स यानी जो तेजाबियत है उसको दूर करती है और ये जोड़ों में मौजूद जॉइंट्स में जो मौजूद है जो तेजाबियत है उसको निकाल के बाहर करती है, जिससे इंसान जो है जोड़ों के दर्द से भी महफूज रह सकता है। जहाँ तक पोटाशियम का मामला है, इसकी भी अच्छी खासी मकदार सीताफल में मौजूद होती है जो मसल्स वीकनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि इंसान जब अपने रोज़मर्रा के कामकाज में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है तो उस वक्त में इंसान के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए पोटाशियम की मकदार ज़रूरी होती है जो सीताफल में मौजूद होती है। तो इसके अलावा इसमें आयरन की भी मकदार मौजूद होती है जो खून बनने में शामिल होती है और सीताफल का इस्तेमाल आजकल थायराइड का मसला बहुत ज़्यादा आम हो गया, हाइपरथायराइडिज्म के में भी सीताफल का इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। सीताफल के मक्स के अलावा इसके बीज और पत्तों में हैरतअंगेज फायदे बताए गए हैं। सीताफल का बीज और पत्ते कैंसर के दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। सीताफल में बास ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो कैंसर के मरीजों को फायदा पहुंचाते हैं। इसके सीताफल का बीज, सीताफल के पत्ते और सीताफल की झाड़ की छाल भी कैंसर में भी इसकी दवा में इस्तेमाल की जाती है। इसके अज्जा को इसको सिंथेसाइज करने के बाद इसको कैंसर की दवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
लिहाजा सीताफल का इस्तेमाल मैं आज की नौजवान नस्ल और तमाम लोगों से ये कुदरती फल के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। सीताफल को गरीबों का फल कहा जाता है, लेकिन आज सीताफल इतना महंगा हो गया गरीब लोग इसे खरीदने पर सोचते हैं। अजीमुद्दीन की रिपोर्ट, हैदराबाद न्यूज़ उर्दू .com।